हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सादिक। एस हालो कार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी 800 इंजन वाला के बारे में। यह गाड़ी हमारा पास स्टॉक हुई है। गाड़ी सेल्फ मारने के बाद ऐसा लग रहा था इंजन का क्रैंकशॉक पिस्टन जाम हो जा रहा था। अभी खुलने के बाद पता चला तो पिस्टन सीज हो गया है, क्रैंकशॉक में भी मार पड़ चुका है। पिस्टन ओवर साइज होने की वजह से गाड़ी का टाइमिंग बेल जो है वो भी टूट गया है। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई है मारुति 800। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका क्रैंक शॉक जो है वो जाम हो रहा है। एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर दूसरा बार स्टार्ट नहीं होता है, करेंगे सब जाम हो जाता है, पिस्टन जाम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है इसको, इंजन खोलेंगे आप लोग, अब देख सकते हैं। ये 1998 का मॉडल है, मारुति सुजुकी 800, देख सकते हो आप। अब इंजन खोलने वाले हैं इसका हम लोग। देख सकते हैं ये गाड़ी एक्सचेंज भी हो गए है, मार पड़ी। अभी इंजन खोलेंगे हम लोग, आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बम्पर निकाले हैं, फिर शील्ड भी काटेंगे, रेडिएटर पूरा काटेंगे। अब देख सकते हैं बम्पर निकाल दिया हम लोग, सामने का ये शील्ड काटने के बाद दिखाता हूँ आप लोग। फ्रेंड्स, सामने का शील्ड निकाल दे रहे हम लोग, अभी बैनर निकाल देंगे हम लोग, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा बानेट भी खुल गया है, सामने का शील्ड भी खुल गया है। अब इंजन बाहर निकालने का टाइम हो गया, वायरिंग निकालेंगे, निकाल के हम लोग इंजन को बाहर निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अभी बेडिंग वगैरह वायरिंग पूरा बखेर दी हम लोग, अभी इसको हम लोग निकालेंगे, निकालने के बाद दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा मारुति 800 का इंजन आ गया फाइनली बाहर। अभी टेबल का ऊपर है, इसको पीस पीस करेंगे, आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर गाड़ी देखिए ऐसे निकाल दिया हम लोग। चलो इसको पीस पीस करते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग वाल्टर कवर खोल रहे हैं, पूरा इंजन को पीस पीस करना है। इसे प्रेस करना पड़ेगा, वाल्डर कवर निकाल दिए फ्रेंड्स। इसका पूरा इंजन सील हो गया, क्रैंकशॉक नहीं घूम रहा है थोड़ी। हेलो फ्रेंड, ये तो हमारा मोटा हाथी। हाँ, इंजन खुल रहे, जल्दी जल्दी पासवर्ड ही मार देख। सही सही फ्रेंड्स, अभी हेड का बोल्ट खुल गया, लाल
फ्रेंड्स हमारा बोल्ट आ रहा है यार। आ गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं बाहर है। इसकी फ्रेंड्स इसका बोर जो है बोर में स्क्रैच आ गया, बोर ख़राब हो गया है, इसलिए हम लोग इसको बोर को रिवर करने वाले हैं। और इसका यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, इसका क्रैंकशॉफ्ट जो है ये सीध हो गया है, कैमरा में सीधा आ रहा नहीं है, आप लोग को दिख रहा है क्या नहीं पता नहीं, क्रैंकशॉफ्ट जो है वो सीधा हो चुका है, देख सकते हैं स्क्रैच। और इसका जो ये है पिस्टन है ओवर साइज लगा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं पिस्टन सीध हो गया है, ओवर साइज लगाने की वजह से इसका जो टाइमिंग बेल्ट है ये भी टूट गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा टाइमिंग बेल्ट टूट गया है, ओवर साइज पिस्टन लगाने की वजह से हमारा टाइमिंग बेल्ट टूट गई है, बोर्ड तो पूरा सीज हो गया है। हेड दिखाता हूँ आप लोग को, हेड का हालत देख सकते हैं, एक दो तीन चार, चार वाल काम कर रहा है प्रॉपर, और ये दो वाल बराबर काम नहीं कर रही है। अभी इसको हम लोग लेड में डालेंगे रिपोर ओके आने के बाद आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में दूसरा वीडियो मिल जाएगा फिटिंग का वीडियो।